हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। इतिहास टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी नेहरू युग के बारे में, ठीक। आज बात करेंगे हम लोग आधुनिक भारत की राजनीतिक और राष्ट्रवादी संस्थाएं देखेंगे। आधुनिक भारत की राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संस्थाएं, ये आपकी इनकी स्थापना जिस वर्ष में हुई वो वर्ष हो गया, ये आपकी संस्था है और इसके संस्थापक हो गए, और ये स्थान जहाँ इसकी स्थापना हुई, जैसे इसकी लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में हुई। कब? 1838 में। इसकी संस्थापक कौन थी? द्वारकानाथ टैगोर। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में हुई। संस्थापक थे इसके द्वारकानाथ टैगोर, और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। फिर आपकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में, इसके संस्थापक थे आपके विलियम एडम, विलियम एडम, लंदन में हुई थी, ठीक है। फिर आपकी बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1843 में, द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी संस्थापक थे, ठीक है, इसके कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। फिर आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में स्थापना हुई, इसके संस्थापक थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र, कलकत्ता में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में मद्रास में, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, जगन्नाथ शंकर बम्बई में, इसके संस्थापक आपके जगन्नाथ शंकर थे और बम्बई में इसकी स्थापना हुई। लंदन इंडिया, लंदन इंडिया कमेटी 1862, श्री सी पुरुषोत्तम मुदालियर इसके संस्थापक थे, लंदन में इसकी स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में हुई इसकी स्थापना, दादा भाई नौरोजी ने, लंदन में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867, मैरी कारपेंटर इसके संस्थापक थे और लंदन में इसकी स्थापना हुई। फिर आपकी इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में हुई, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, कहाँ हुई थी? लंदन में। इंडियन लीग 1875 में कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस एवं एस एन बनर्जी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल सोसाइटी की स्थापना 1883 में, इसके जो संस्थापक थे श्रीश चंद बोस थे, कलकत्ता में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ये आपकी एस एन बनर्जी थे इसके संस्थापक, 1883 में कलकत्ता में। मद्रास महाजन सभा 1884 में हुई इसकी स्थापना, इसके संस्थापक थे पी राघवाचारी और एस अयर चालू, ठीक है, मद्रास में हुई थी इसकी स्थापना। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, इसके संस्थापक में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग और तेमची, बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए ओ ह्यूम ने, इसके संस्थापक थे, बम्बई में हुई थी। फिर आपकी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1885 में, सर सैयद अहमद खान ने इसकी इसके संस्थापक थे, अलीगढ़ में हुई थी इसकी स्थापना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1888 में हुई, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, बम्बई में हुई थी इसकी स्थापना। इंडियन इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में हुई इसकी स्थापना, इसके संस्थापक थे आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा,
है आपकी उत्तर प्रदेश किसान सभा 1915 में। इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण एवं गौरी शंकर। लखनऊ में हुई थी। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान तिलक ने, पुणे में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में हुई इसकी स्थापना, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, कौन थे इसके संस्थापक? महात्मा गांधी। कहाँ? अहमदाबाद में। नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918 में एस एन बनर्जी इसके संस्थापक थे, कलकत्ता में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में हुई इसकी स्थापना, एम एन राय इसके संस्थापक थे, ताशकंद में हुई थी। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी 1920 में इसकी स्थापना हुई, लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। कहाँ हुई थी? लाहौर में। अवध किसान सभा 1920 में नेहरू रामचंद और गौरी शंकर इसके संस्थापक थे, प्रतापगढ़ में हुई थी। फिर आपकी भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, इसके संस्थापक थे एन एम जोशी और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, लखनऊ में हुई थी। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1921 में हुई, नलिनी गुप्ता इसकी संस्थापक थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक, स्वराज पार्टी 1923 में इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, दिल्ली में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस 1925 में सत्य भगत इसके संस्थापक थे, कानपुर में हुई थी इसकी स्थापना। फिर है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS 1925 में स्थापना हुई, इसके संस्थापक थे के वी हेडगेवार, नागपुर में हुई थी। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1927 में हुई, लेडी सदाशिव अय्यर ने इसकी स्थापना की थी, मद्रास में। श्रमिक स्वराज पार्टी 1928 में इसके संस्थापक थे काजी नजरुल इस्लाम। खुदाई खिदमतगार 1929 में हुई इसकी स्थापना, इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ हुई थी? पेशावर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में इसके संस्थापक में शामिल थे आपके आचार्य नरेंद्र देव और जय प्रकाश नारायण, पटना में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में मुंशी प्रेमचंद इसके संस्थापक थे, लखनऊ में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 इसके संस्थापक एन जी रंगा और स्वामी सहजानंद। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, कलकत्ता में। भारतीय बोल्शेविक दल 1939, एन डी मजूमदार कहाँ? कलकत्ता में। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940, एम एन राय के संस्थापक थे, कहाँ? कलकत्ता में। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल 1941 में हुई इसकी स्थापना, इसके संस्थापक थे अजीत राय और इंद्र सेन, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942, सोमेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थी प्रमुख आपकी संस्थान, ठीक है, या पार्टियां, जो भी आपकी आधुनिक भारत की राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी जो संस्थाएं थी उनके बारे में हम लोगों ने बात की। यही बात कर लेते हैं हम लोग भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का गठन, भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का गठन, ये आपकी समितियाँ हो गई।
ये वर्ष हो गया जब इनका गठन हुआ, ये संगठनकर्ता हो गए और विशेष इनके बारे में विशेषता। अनुशीलन समिति ढाका 1902 में इसकी स्थापना हुई। पोलैंड बिहारी दास इसके संगठनकर्ता थे। इसकी बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। फिर आपका मित्र मेला महाराष्ट्र में 1902 में इसके संगठनकर्ता थे बीडी सावरकर। महाराष्ट्र तथा पूरे भारत की यह प्रथम समिति थी। फिर अभिनव भारत महाराष्ट्र में ही 1904 में इसके आपके संगठनकर्ता थे गणेश सावरकर। गणेश और बीडी सावरकर के बड़े भाई थे, गणेश बीडी सावरकर के बड़े भाई थे। अनुशीलन समिति कलकत्ता 1907 में बारेंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, भूपेन दत्त इसके संस्थापक थे। फिर आपकी गदर पार्टी। गदर पार्टी अमेरिका के का सैन फ्रांसिस्को 1913 में इसकी स्थापना हुई। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना इसके संगठनकर्ता थे। यह भारत में सशक्त क्रांति करवाना चाहती थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इसके संगठनकर्ता थे सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। इसकी स्थापना अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना हुई। इसके संगठनकर्ता थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। दिल्ली में स्थापना की इसकी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में 1942 में रास बिहारी बोस ने। ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ। अब आगे बात करेंगे हम लोग ब्रिटिशकालीन समितियाँ, ब्रिटिशकालीन समितियों के बारे में बात करेंगे।